धर्मनगरी कुरुक्षेत्र यूं तो मंदिरों और पर्यटन स्थलों की नगरी है। यहां नगर परिषद की सीमा में अंदर मीट मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। प्रशासन के ये नियम हकीकत में कितने सख्ती से लागू है ये किसी से छिपा नहीं है। शहर में नगर परिषद की सीमा के अंदर खुले होटलों में शराब और मीट मांस की बिक्री और सेवन बस्तूर जारी है। ये तस्वीरें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अमीन रोड की हैं। अमीन जहां महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में फंसकर वीर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था। इस अमीन रोड पर विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर और नामी गिरामी शिक्षा के मंदिर यानी विद्यालय स्थित हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्थान की कितनी महत्वता है। परंतु अमीन रोड की ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। सड़क पर फैली गंदगी और कीचड़ युक्त पानी में बह रहा रक्त उन असंख्यक बेजुबान जानवरों का है जिन्हें अमीन रोड पर स्थित मीट की दुकानों पर सरेआम काटा जा रहा है। हालात ये हैं कि अमीन रोड पर बढ़ रही मीट शॉप के आसपास के अन्य दुकानदारों और घरों में रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। बच्चों और महिलाओं का घर से निकलकर इस सड़क पर चलना मुश्किल हो चुका है। आसपास रहने वाले लोगों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि नगर परिषद हाउस टैक्स तो ले रही है लेकिन सुविधाएं नहीं दे रही। यहाँ न सफाई होती है, न मीट मांस शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा रही है। प्रशासन जान कर भी अनजान बना हुआ है। आप खुद ही देख लीजिए और सुन लीजिए कि लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। परेशान आमा मोरा बच्चे मारे आवा गंदगी माँ खून माँ पैर आवा कागे ले लेकर जाओ पर माँ बहुत परेशान आ रहा और समस्या करो इसकी। तो कितने समय से समस्या है? 10 साल हो गए मान आया ना, बहुत समस्या हो रहा हमारे पहाड़ जाने की बहुत दिक्कत हो रही माना। तो मेन रास्ता यही है मेन रास्ता। तो गलियों की सफाई व्यवस्था क्या कहती है? सफाई करवाओ उसकी, ना डंपर आ रहा ना कबाड़ वाला आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। क्या नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे कोई कचरे की गाड़ी तक नहीं आती? नहीं आती। तो क्या मांग करेंगे प्रशासन? सफाई करवाओ इसकी गली की, यो गंदगी हो इसमें, ये गंदगी है जोर से। समस्या को लेकर आप मौजूदा प्रशासन से मिले हो? नहीं। शंकर कुमार सर, क्या समस्या आ रही है, क्या बताएंगे? मैडम मैं यहाँ से पंच हूँ, पिछले 2 प्लान से मैं यहाँ पे पंच हूँ और जो हमारे यहाँ पे मीट की दुकानें हैं, एक आधी नहीं कम से कम 10-12 मीट की दुकानें हैं, इनमें सरेआम पशुओं काटा जाता है और उनका जो खून है हमारी सड़क पे नालियों में बहता है जिससे आने जाने वाले सभी आयुर्वेद को बहुत दिक्कत होती है और उसकी वजह से जो घर के छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में जाने वाले के लिए उनके सुबह पैर धस जाते हैं खून के अंदर में और मतलब माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ से बहू बेटियाँ निकल ही नहीं पाती है। तो इसके विषय में मैंने कई बार सरपंच साहब को इस ज्ञान से अवगत करवाया मगर वो भी कहते हैं जी मैंने कर रहा हूँ मैं कार्रवाई ऐसे है वैसे है, हर बारी मतलब बात को टाल टोल कर देते हैं। तो मतलब ये समस्या कब से आ रही है आप लोग? लगभग ये समस्या हमें 5-10 साल से आ रखी है और इसके विषय में कई बार बोला सरपंच साहब को, वो हमेशा कहते हैं भाई कमेटी के अंदर में है, इसमें हमारा कुछ नहीं जाता, कमेटी में जाते हैं वो कहते हैं गांव का एरिया है, गांव वाले बोलते हैं शहर का एरिया है, तो उस विषय में हमारे काम हो ही नहीं पा रहे। पदाधिकारियों से नहीं बातचीत करी आपने, क्या आश्वासन देते हैं? हम मैं तो अपने सरपंच साहब से ही बोल सकता हूँ ना, उनसे भी कई बार बात हुई इस विषय में मगर कि कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। अब मुझे लोगों ने बुलाया भी ऐसे ऐसे ये दिक्कत हो रही है तो मुझे आना पड़ा इनके पास में। तो अभी क्या चाहते हो, मांग क्या करते हो? मेरी मांग ये प्रशासन से कि मीट की दुकानों को यहाँ से हटाया जाए या जो ये गली नालियाँ हैं इनकी साफ सफाई ठीक ढंग से करवाई जाए और इनको बोला जाए कि अपना शिविर वगैरह या कुछ भी खड्डा मेन उन करके उसमें इस खून को गंदे पानी को उसमें स्टोरेज कर ले अपने, यही मेरी डिमांड है। मेरा नाम मोहन अग्रवाल है। जी सर, क्या समस्या झेल रहे हो? इस यहाँ पे इस गली के अंदर सबसे पहले तो ये खून वाली प्रॉब्लम है और कितनी गंदगी है ये आप देख ही चुके हो। उसके बाद नगर पालिका हाउस टैक्स मांगती है हमारे से बिल्डिंग का, नगर पालिका ने आज तक यहाँ कोई भी सुविधा नहीं दी जिससे कि हम हाउस टैक्स दे सकें। अनाप शनाप हाउस टैक्स बना रखी है नगर पालिका ने जो कि गलत है और हमारे आगे की सड़क भी पक्की नहीं की, सारे एरिया की सड़कें उन्होंने पक्की की, हमारे आगे की सड़क भी आज तक कच्ची पड़ी है। कितने साल हो गए इसको? 10 साल हो गए मैडम। तो जो ये समस्या आ रही है इस चीज को लेकर प्रशासन से क्या कहेंगे? प्रशासन इसकी सफाई करो, सफाई करने के जो जायज हाउस टैक्स बनता है हमारे से हाउस टैक्स ले, हम देने के लिए तैयार हैं। तो मीट की दुकानें यहाँ पे कितनी बनी हुई है लगभग? 10 से 12 दुकानें लगभग बनी हुई है। क्या सबके कोई कागजात वगैरह है? कुछ नहीं है। नहीं कुछ नहीं है। तो और क्या प्रशासन से मांग करोगे? साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर? भी साफ सफाई की व्यवस्था करते, हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हम हाउस टैक्स देने के लिए तैयार है। अगर ये नहीं करते तो हम हाउस टैक्स नहीं देंगे और इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी जाने के लिए तैयार है।
समस्या ये है जी, ये देखो जी बच्चे भी लिगड़ते हैं, आने जाने वाले भी लिगड़ते हैं, इसमें सारी सड़क पे खून पड़ा है, खून आता है जब चलते हैं, पैर सारा खून में दस जाता है, घर जाते हैं ये हमारा घर है सब पास, हमारे तो बच्चे भी यहाँ से अंदर रहते हैं, बाहर लिगड़ते नहीं इसके डरते हुए। ऐसी क्या वजह जो सड़कों पर खून है? ये यहाँ मीट वाले काटते हैं, मीट वाले कोई सफाई नहीं करता, ये देखो कितना गंद हो रहा है, बदबू यहाँ आती है, रहने का यही नहीं, हम तो ऐसे चाह रहे हैं अपने घर बेच के यहाँ से चले जाए। तो कितने समय से परेशानियाँ झेल रहे हो आप लोग? ये तो काफी टाइम से है, साल दो साल महीने कितने? ये कम से कम दो साल हो गए जी, दो साल हो गए। तो कितनी कई बार हमने कह भी दिया कोई मानता नहीं। मीट की दुकानें कितने हैं यहाँ पे? मीट की दुकान नहीं रही है जी, 10-15। हाँ? तो अभी क्या प्रशासन से क्या मांग? प्रशासन ही है, ये हमारे बात नहीं है, तो खून बंद करो यहाँ, या सफाई करो, ये लिखने का रास्ता नहीं है हमारा, कोई कहाँ जाओ, हम घर भी जाने का रास्ता नहीं हमारा।